पुलिस लाइन दो सड़का में शुक्रवार को क्राइम मीटिंग आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक हमीरपुर रमन कुमार मीणा ने की। बैठक में सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। हमीरपुर में बढ़ रहा क्राइम ग्राफ मीटिंग में अहम मुद्दा रहा। वहीं शराब माफिया ने भी पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रोजाना अवैध शराब बेचने के मामले सामने आ रहे हैं, इसके लिए पुलिस विभाग को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं घरेलू हिंसा के मामले पर लगाम लगाने के लिए भी कहा गया। देखा गया कि आए दिन घरेलू हिंसा के मामले थाना में पहुंच रहे हैं। हाल ही में घरेलू हिंसा के मामले में फरार अपराधी को गाजियाबाद से पकड़ा गया। वहीं पेंडिंग पड़े मामलों को त्वरित प्रभाव से निपटने के लिए कहा गया। इसके साथ ही पुलिस अब नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाएगी। बैठक में पुलिस जवानों की समस्याओं को भी सुना गया। बैठक में सभी उपमंडलों के SHO तथा पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। आज जिला पुलिस लाइन हमीरपुर में विभाग के सभी अधिकारियों की, साथ ही साथ विभिन्न थानों से आए हुए हमारे पुलिस विभाग के अन्य कर्मियों की आज वेलफेयर एंड क्राइम मीटिंग थी, जिसमें विभाग के सभी कर्मचारियों से जुड़ी समस्याएं, उनके सुझाव, उनके बारे में चर्चा की गई। और उसके बाद जो क्राइम मीटिंग थी, उसमें जिले में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, क्राइम, इन सब चीज़ों पर डिस्कस किया गया। पिछले जो केसेज हैं, इम्पोर्टेंट केसेज, उनके बारे में बात की गई और नए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सभी थानाधिकारियों को, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को और अच्छे से सुधारें। जो रिव्यू है उसमें ये पाया है कि हमीरपुर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के मामले में ठीक कर रही है। साथ ही साथ पुलिस को निर्देश दिए कि ड्रग्स को लेकर सख्ती और बरते, इस तरह के केसेज और होने चाहिए। अगर कोई भी इन्वॉल्व है तो उसको उस पर कानूनी कार्रवाई तेजी से हो। साथ ही साथ एक जो नया निर्देश दिया है हमने पुलिस को, वो ये है कि जो शराब का कल्चर है, जिसकी वजह से घरेलू हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, तो उस पर लगाम लगाई जाए। और जितने भी लोग इस तरह शराब पीकर इधर उधर चल रहे हैं या गाड़ियां चला रहे हैं, तो उस पर रोकथाम लगाई जाए। निश्चित रूप से इन केसों को हमने डिस्कस किया, कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं हमने विभाग को, ताकि इन केसों को हम तेजी से डिस्पोजल इनका कर सकें और पुलिस इस बारे में तेजी से काम कर रही है।